ऐसे ही बना हुआ है मैम। सनक्रीम लगा के चल। सनस्क्रीन लगा के चल रहे। अच्छा कितनी बार बीमार पड़ गए? एक बार पड़े थे तब से ही ठोकर खा के अकल लग गई। जब बाहर आप निकलते हैं तो ही आप ये अंदाजा लगा पाते हैं इतनी गर्मी है। 5 रुपए में इतना पानी भाई। गर्मी भी बहुत है, हम तो बाहर से आए हैं। अरे पारा 50 के ऊपर पहुंच गया है। फिलहाल है भाई थोड़ा सा। इंसान तो तप गया है लेकिन अंडे की स्थिति क्या होती है देखते हैं। वो ये थोड़ा थोड़ा जो अंडा है वो आपको पकता हुआ सा नजर आ रहा है। निदा फासले की कुछ पंक्तियों के साथ आज इस शो की शुरुआत मैं करना चाहूंगी कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, इस भीड़ में निकल सको तो चलो। आज सफर कुछ ऐसा ही हो गया है कि घर से निकलने के लिए एक जैसे मानिए युद्ध में जाने के लिए तैयारी करनी होती वैसे तैयारी करके लोग सफर के लिए निकलते हैं। जबरदस्त पारा है, 50 डिग्री कई जगहों पर तापमान पहुंच चुका है। हालांकि ऐसे रिकॉर्ड बनता है तो आपको खुशी होती होगी, लेकिन जब तापमान रिकॉर्ड बना रहा है तो कोई भी खुश नहीं है, सब बेहाल है। क्या हाल है लोगों का, लोगों के बीच ही अब चलते हैं और जानते हैं। शकल ही नहीं पहचान में आ रही है। शकल इतनी धूप है कहाँ से शकल पहचान में आएगी। कोई एरिया छोड़ा ही नहीं। इतनी गर्मी, भीषण प्रचंड जो गर्मी पड़ रही है जी, ये तो एकदम जानलेवा हो गई है। जानलेवा है मैम, आप भी ढक लीजिए। अरे ढका ही हुआ है, मेरे को तो ऐसे भी कुछ नहीं दिख रहा, मैं पूरा मुंह ढक के चल रही हूँ। तो ये अंदाज ऐसे ही बना हुआ है? रोज ऐसे ही बना हुआ है मैम, रोज दिन का है। अब तो मैं नाम पूछ लूँ कोई मतलब ही नहीं है। ये कौन? काले हो गए पूरे। कौन? ये आ रहे हैं जो, ये काले हो गए। गोरे इनको, इनको जरूरत ही नहीं, बहुत गोरा था आपके जितना। अच्छा जी, ये गोरे बता रहे हैं आप काले हो गए गर्मी में? हाँ ना ऐसा है क्या? हाँ इतनी गर्मी। अच्छा तो ये इतनी गर्मी में आपने ऐसा प्रोटेक्शन तो नहीं लिया? इनको जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं, क्यों? सनक्रीम लगा के चल। सनस्क्रीन लगा के चल रहे नहीं, अभी जाके नहा लेंगे। अच्छा फिर सब सही हो जाएगा? हाँ सब सही हो जाएगा, नहाने से गर्मी खत्म। खत्म, क्या बात। देखिए ये सब दिल्ली में शाम को 6 के बाद निकलना चाहिए, मगर हाँ तो अब अभी क्यों निकले हो आप? अब जरूरी सामान लेने निकले। जरूरी सामान लेने निकले? आइए भैया, जरूरी काम के लिए लोग निकल रहे हैं। दो तीन घंटे निकल जाएंगे बस, बस। अच्छा तो इतनी गर्मी में क्या हिम्मत आपकी पड़ी क्या बाहर मार्केट निकल आई? जरूरी तो है, बेटी की शादी इतनी गर्मी में? बिल्कुल। हम कश्मीर से है ना, कश्मीर से आए हो, और यहाँ की गर्मी झेल पा रहे हो? पाना पड़ता है, बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा। और ये सनस्क्रीन हम चाहे और लगा दीजिए, थोड़ा सा दो चार मिक्स विक्स कर दीजिए बढ़िया बकायदा। ये मिक्स नहीं हुआ है पूरा सनस्क्रीन जो है, ये सही है, बहुत गर्मी है। क्या नाम हो गया तुम्हारा? रेहान। और तुम्हारा क्या नाम है? अतीकुर रहमान। अच्छा कहाँ जा रहे हो? जी चांदनी चौक जा रहे हैं माल लेकर के, किनारी बाजार। अच्छा तो ये इतनी गर्मी जो है, ये जो है इसको, अच्छा इसको तो कई लोग पानी वानी डाल के ठंडा कर लेते हैं, बढ़िया कूलर का काम करता है। वो नुकसान दे जाती है, वो सर्दी गर्मी ज्यादा कर जाती है। सर्दी गर्मी? अच्छा वो अनुभव से बता रहे हो तुम? जी जी जी। अच्छा कितनी बार बीमार पड़ गए हो? एक बार पड़े थे तब से ही ठोकर खा के अकल लग गई, तब से ही दिमाग आ गया जी। लेकिन जबरदस्त गर्मी, ये तो मतलब ये बढ़िया दिमाग लगाओ, एक छोर आप पकड़ लो, एक छोर आप पकड़ लो, है एक ही ये क्या अंगोछा ना, इसमें काम चल जा रहा है दोनों का। जी 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 भैया, यहाँ तक पहुँचाने के लिए शुक्रिया, चलो हमको छोड़ दो थोड़ा। छाव ढूंढ ढूंढ के खड़े हो जाना चाहिए वक्त वक्त पे, है ना भैया? गर्मी है, गर्मी तो ये गर्मी में पास आओ थोड़ा। आप तो दो पंखा लगाए हो बढ़िया। ये भी तो गर्मी का दर है, ये भी गर्मी दर है, बहुत गर्मी है। अच्छा दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ही लग रहा था कि इतनी गर्मी पड़ेगी, क्या हाल, कैसे दुकान उकान चल रहा पूरे दिन? क्योंकि हम लोग तो चलो आज निकले हैं, आपका तो रोज का काम है, दिक्कत नहीं हो रही?
और ये देखो ये खाली बोतल, ये तो अमृत है, खत्म हो गया अमृत। जल्दी ही जीवन है, यही तो जीवन है। हाँ भाई तो कह रही हूँ जीवन बस इतना ही बचा है, इतना ही जीवन बचा है, फिर आएगा जाएगा। अच्छे दिन को गुजरात भेज करके हमारा देश के अंदर बुरा ही दिन आना चाहिए, बुरा दिन आना चाहिए। अच्छा इस गर्मी के लिए कौन जिम्मेदार है, मोदी जी? ये तो प्रगति का दिन है। अच्छा हमको लगा आप आए बताने गुजरात, तो ये सब तो हमको लगा भी ना बता दो कि गर्मी जो है वो मोदी जी की वजह से। नहीं ये तो प्रगति देन है, प्रगति की देन है। हाँ ये तो... मैडम चेहरा तो आपको खुल आप ढका है आपने चेहरा, जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा पड़ रही है। बस ये है कि अभी थोड़ा सामान लिया था इसलिए खोल लिया था। अच्छा इतने इतने दिल्ली में एक्सपेक्ट किया था इतनी गर्मी पड़ेगी? ये तो हर बार ही पड़ती है, हर बार ही देखो सर्दी पड़े ना पड़े, बारिश पड़े ना पड़े, बट गर्मी जो है हर बार रिकॉर्ड तोड़ती है अपना। ये 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 तो सिखा दो, आजकल तो वैसे भी बहुत हैक्स ऐसे चलते हैं ना, ये बहुत ही दिखा जरा एक बार हमें। ये जबरदस्त तरीके से आपने ये लोग ऐसे बांध लेते हैं कैसे भी, गर्मी में कहाँ फैशन देख पा रहे हैं। एक्चुअली फर्स्ट टाइम यहाँ ट्राई किया है। कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत काफी ट्रेंडी है। ट्रेंडी है तो गर्मी में भी ट्रेंड। देखिए गर्मी में आपके पास कुछ ही विकल्प हैं और उन विकल्पों में आपके पास ये भी है जिनका सहारा आप ले सकते हैं गर्मी से बचने के लिए, लेकिन जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। एक बार तो घर से बाहर निकलिए और अंदाजा लीजिए जबरदस्त गर्मी का, है ना गर्मी। अरे कुल्फी कह, जल्दी खाओ नहीं तो पिघल, दिखाओ नहीं पिघल जाएगी। अच्छा और जो इंसान पिघल रहा है इतनी गर्मी में, खुद पिघल रहे हैं क्या करें, हम लोग खुद पिघल रहे हैं इतनी गर्मी है। अच्छा तो बच्चा बताओ इसको, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो कुल्फी में मस्त है। आपको गर्मी लग रही है? बोलो गर्मी है। अरे कहाँ कुल्फी में मजा आ रहा है, गर्मी है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। पंखे का हवा खिलाओ। अच्छा चार्ज हो जाता है? अरे इंसान की जो बैटरी डेड हो रही है उसका क्या, इसका तो चार्ज हो जाएगी, अपन कैसे चार्ज होंगे? गर्मी वैसा है ना, थोड़ी राहत तो फिलहाल है भाई थोड़ा सा। भगवान तुम्हें दुआ दे, गर्मी बढ़िया चल रही। अच्छा आपने तो इतनी गर्मियां देख ली होंगी, ये गर्मी है बढ़िया? ये गर्मी तो टॉप गर्मी है, टॉप की गर्मी। कैसे पहुंच गई टॉप में? इट इज मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नाउ। अरे इतने टॉप में पहुंची कैसे? अर्थ इज वेरी क्लोज टू सन, पृथ्वी सूर्य के नजदीक बहुत ज्यादा आ गई है। अच्छा अर्थ रोटेशन की वजह से। अच्छा। इसलिए गर्मी बढ़ गई है। ए गर्मी तो प्रकोप चल रहा है, मतलब ये ऐसा तांडव वाली स्थिति लग रही है। हाँ जी। तो ये एक एक जो बढ़िया इसमें ये क्या है भाई, कौन है ये? अच्छा और इसमें जो है आपके पास ये पिटारा अलग है, इसमें जाएगी आइसक्रीम और इसके बाद जाएगी ये लोगों के पेट में जो ठंडक पहुंचाएगा। लेकिन इतनी गर्मी जो पड़ रही है, ये गर्मी कब खत्म होगी कुछ सोच रहे हो आप? इतना दिल्ली में कभी सोचा था? नहीं अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी तो दो महीने गर्मी बरसात। अच्छा, तो रोज ऐसे यहाँ पे लगाना आपके लिए चैलेंज, बीमार वीमार नहीं, लू का खतरा ना लगता? अरे लू तो खतरा लगता ही है। फिर कैसे बचाते हो? भाई बचाते हैं मुस्कुरा के, मुस्कुरा के किसी तरह बचाते हैं, किसी तरह बचा ले रहे हो। क्या नाम है आपका? सुहानी जैन। करना कुछ नहीं है, खाते रहना जो खा रही हो, क्योंकि अच्छा इतनी गर्मी में ये अच्छा। अच्छा मुझे लगा हाथ में चोट वोट लगी है, फिर मैंने कहा अच्छा यही सब प्रिकॉशंस के जो हैं तरीके हैं भाई, इन्हीं से बच सकते हैं आप। स्कार्फ भी है, चश्मा वाला सन, ये नहीं लगाए सनग्लासेस? फिर दिखेगा नहीं ना। लोग तो इसके ऊपर लगा लेते हैं आजकल, नया खोज निकाला है लोगों ने, मैं पुरानी लू। तो ये ठंडक पहुंचा रहे बहुत? सर बहुत गर्मी पड़ रही है। हाँ जी। तो इतनी गर्मी में क्या मतलब घर से निकलने की इच्छा तक हो रही है? नहीं मैं तो आज ही आ गया था बस। ऐसे कैसे? मैं ये घुमाने ले आ गया।
गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस में यहाँ खड़े हो, सूट वूट पहन के, वो भी गर्मी नहीं लग रही है? अब ये भी कैसे बोलेंगे इतनी गर्मी जो है। आइए मैम, ये पानी कहाँ के लिए भर रही हैं आप? ये जहाँ इन लोगों के लिए रास्ता पे जो रोड पे चल रहे हैं, रोड पे चलने वालों को पानी पिला रही हैं। तो ये भरती रहती हैं ऐसे? हाँ। अच्छा, तो ये यहीं पर रख दिया गया लोगों के लिए? हाँ, सबके लिए। और ठंडे के लिए ये एक लगा दिया गया? बर्फ डाल दिए। बर्फ भी डालते हैं। तो ये रोज ऐसी सुविधा आप लोग देते हो? रोज। क्या नाम है आपका? विनीता सिंह। तो विनीता जी, ऐसा क्यों सोचा आपने ये करने के लिए? कितने लोग बाग प्यास हो जाते हैं, खाना इस समय कम मिलना चाहिए, पानी ज्यादा। मैडम, हाँ ये बात तो आपने सही कहा कि खाना जो है कम मिले लेकिन पानी ज्यादा मिले। तो ऐसे ही आप दिन में कितनी बार आपको रिफिल करना पड़ता है? इसे गिनती नहीं है मैडम, कई बार हो जाता। तो आप अकेली हैं या और लोग भी हैं जो आपके साथ? नहीं, हम तो ज्यादा कर दें। आप कुछ ज्यादा करती है, आप रहती यही है? नहीं, यहाँ पे नहीं, चौथे पुश्ते से जॉब करते हैं। जॉब करते हैं? जॉब करती हैं आप, तो जॉब के बीच में से ये भी काम कर लेती है? हाँ। ये क्या पी रहे हैं आप लोग? कांजी वड़ा। कांजी वड़ा, ये क्या काम करता है? पेट साफ कर देता है एकदम बढ़िया। पेट साफ कर देता है? इतनी गर्मी में इंसान जो साफ हो रहा है उसका? वो तो गर्मी तो पड़ती रहेगी, गर्मी तो रोक थोड़ी सकता से। गर्मी को आप मुस्कुरा रही हैं बस, है? इतना रहता है ये पेट के लिए अच्छा होता है। ये अब मतलब की बात इन्होंने बताई, आपने पेट साफ ये बता रही है, ठंडा रहता है इसलिए वो तो अच्छा लगता है, डाइजेशन सही रहेगा। इन्होंने काम है पी लिया, ये जो कहती मान लेते हैं? क्यों नहीं मानेंगे। तो इन्होंने कहा होगा घर से निकलो इतनी गर्मी में, काम मान लिया आपने? काम है तो निकलना पड़ेगा, गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे आंधी हो तूफान हो कुछ भी हो। मैं कांजी बड़ा का स्वाद ले रहे हैं। और गर्मी का स्वाद? टेम्परेचर, गर्मी तो हमारे होश में थी, गर्मी पड़ी नहीं दिल्ली में है? हमारे होश में गर्मी पड़ी नहीं थी दिल्ली में, इतनी कभी नहीं पड़ी गर्मी है, इसलिए कांजी बड़ा का ले रहे हैं चांदनी चौक में। तो ये कितनी देर असर कर पा रहा है? एक घंटा असर करेगा कम से कम। इस गर्मी की वजह क्या मानते हैं? लोगों ने पेड़ पौधे काट दिए, लोगों को चाहिए अपने घर में दो चार पेड़ लगाए। अब तो बस मोदी जी आए 4 तारीख को, खुशखबरी मिले तो गर्मी सब दूर। मोदी जी के आने से गर्मी दूर? बिल्कुल, जोश आ जाएगा ना। ये दो कनेक्शन कैसे आपने जोड़ दिए? जोड़ दिए ना, मोदी मोदी है तो मुमकिन है। ये जो आपने ऐसे ऐसे घूंघट काढ़ा हुआ है, ये गर्मी की वजह से काढ़ा हुआ है ना? अच्छा, जगह फ्लैट बना दिए जाए हैं और वो कहा था पेड़ काट दिए गए हैं। तो हमारे बचपन में तो गर्मी होती नहीं थी, हम तो इतने यानी ज्यादा बड़े भी नहीं हुए ना ज्यादा छोटे, मगर हमारे बचपन में तो कभी गर्मी हुई नहीं इतनी जो अब हो रही है। तो अब हम अपने बच्चे को क्या देके जाएंगे? 70 डिग्री टेम्परेचर और क्या, इतना ही मिलेगा आने वाले टाइम पे? तो और गर्मी मिलेगी है? और क्या, आने वाले टाइम पे तो घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। ये गमछा भी काम ना करे, ये गमछा गीला करके लेके आया था, अब सूख गया है, इतनी गर्मी पड़ रही है। अच्छा, यानी कपड़े पहनो। अच्छा, तो इतनी गर्मी जो पड़ रही है इसमें हम, आप क्या योगदान कर रहे हैं? मैं क्या योगदान करूंगा इसमें? पेड़ वेड़ लगा रहे हो? पेड़ वेड़ तो जो कट गए वो कट गए, हम क्या योगदान लगाएंगे, हम तो पहले काम से ही। हम तो रोल है पहले हैं। हाँ, रोल है, रोना ही नहीं पूरा हो रहा है। रोना ही नहीं पूरा, वो लोअर को ही रोना पूरा नहीं हो रहा तो हमारा क्या रोना पूरा होगा। मूंग दाल की पकौड़ी और राई का पानी है। राई का पानी और पकौड़ी है? फर्मेंटेड वाटर होता है मैम 3 दिन का। अच्छा, और ऊपर से चटनी, तो इसको डाइजेशन के लिए गर्मी से हमको मतलब गर्मी से बचाएगा कि नहीं? बहुत ज्यादा बचाएगा। लू तो नहीं लगेगी? दो गिलास पी, लू तो नहीं लगेगी? शो करना है मुझे अभी और। बिल्कुल, बिल्कुल। पी सकते हैं ना? पेट तो नहीं खराब हो जाएगा? पक्का आपके भरोसे में पी लूं मैं? श्याम बाबा के भरोसे, ऊपर वाले और आपके भरोसे में पी लूं? तो देखिए, ऊपर वाले और इनके भरोसे पे ये पी के देखती हूँ। स्वाद है? टेस्टी लगा आपको? हाँ, टेस्ट तो नहीं, मैं तो भरोसे में पी रही हूँ भाई। अरे भरोसे तो है ही, ये दुकान भी बड़ी होनी चाहिए। भद गर्मी में, और ये देखिए अंदाज, पंखा भी चल रहा है भाई साहब। बल्ले बल्ले ये है? क्या बल्ले बल्ले? मैंने कहा बल्ले की प्लेट बना। अरे तो यार, तो बल्ले बल्ले आप बल्ले बल्ले करके बोल रहे हो, हम के ये इतनी गर्मी में बल्ले बल्ले पीछे से कौन चिल्ला रहा है? मिर्ची कैसी लोगे आप? बरोबर इसमें मिर्ची थी बल्ले। अच्छा, तो ये जो आपने अंदाज अपना बनाया है ये कितने सालों से? मेरे को 30 साल हो गए। तो इतनी गर्मी में ये अंदाज आपका कैसे चल रहा है भाई? 50 डिग्री में इतना पंखा काम कर रहा है? ऊपर वाले के सारे हैं सब है, ऊपर वाले के सारे, वही देता है गर्मी सहन करने की शक्ति। ऐसी हम कहाँ से लगाएंगे यार, सारी ऐसी की जगह है बैठने तक की जगह नहीं है। क्यों बेटा,
क्या पीने आई हो? कांजीवड़ा। ये क्या होता है? कांजीवड़ा। पियो कभी? हाँ, बहुत बार। अरे मैं मुझे तो सोचो सुनो, पता है ये मैंने जीवन में कभी पिया ही नहीं, पहली बार है मेरा। बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा है। आपने पिया है? हाँ। आपके मम्मी पापा अच्छे हैं? हम तो पिए ही नहीं, अब देखो ज्यादा अच्छा नहीं है। अच्छे है? गर्मी है? हाँ। गर्मी लग रही है? हाँ। बाहर क्यों निकली हो? बुआ के साथ आई है। मजा नहीं आया? अभी भी नहीं आया? कहाँ से टिक करो ऐसा वाला, अभी भी नहीं आया? नहीं, थोड़ी देर रुको। तो कई जगहों पर पारा जो है वो 47 डिग्री 50 तक पहुंच चुका है। जरा अब हम आपको एक बार दिखाएं, ये अंडा लेके आई हूं मैं, देखती हूं कि ये कितना पकता है। इंसान तो तप गया है लेकिन अंडे की स्थिति क्या होती है, चलिए देखते हैं। आप देख रहे हैं थोड़ी ही देर, यानी अभी कम से कम 4 से 5 मिनट हुए होंगे और उसमें ही आपको ये थोड़ा थोड़ा जो अंडा है वो आपको पकता हुआ सा नजर आ रहा है। यानी आप समझिए, अगर इसको ऐसे ही रख दिया जाए थोड़ी और देर, 15-20 मिनट, तो ये पूरा ऑमलेट जो है आपको तैयार हो जाएगा। तो जबरदस्त भीषण गर्मी कितनी है इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, और इस भीषण गर्मी में लोग कैसे बेहाल है वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। आइए फिर। इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना बढ़िया डिजाइनर आइसक्रीम निकाली है मैंने, क्या कहते हो? निकली कि नहीं निकली? बढ़िया तो है डिजाइनर आइसक्रीम। डिजाइनर आइसक्रीम, ये किसका है भाई? वनीला और चॉकलेट। है वनीला चॉकलेट? हाँ, वनीला और चॉकलेट फ्लेवर है इसके अंदर। है तो बढ़िया, वाह। ये है शरबते मोहब्बत। इस गर्मी में मोहब्बत लुटाते हुए जरा देखिए। ये आप भी पिए, आपके साथ जो दोस्त है उसे भी पिलाए। अच्छा। और आपके साथ जो फैमिली है उसे भी पिलाए, ठंडा ठंडा कोल कोल। ये शरबते मोहब्बत क्यों? ये मोहब्बत शरबत फेमस है, मोहब्बत शरबत फेमस है एकदम। हाँ। अच्छा, तो इसमें क्या किया गया है ऐसे स्पेशल? इसमें दूध डाला हुआ जाता है, तरबूज डाला हुआ जाता है। तरबूज? हाँ। अच्छा, चीनी डाला हुआ जाता है। हाँ। और ये बर्फ इतने सारे जो डाल दिए गए हैं, तो बर्फ अभी गर्मी का मौसम है ना। ये क्या है? ये मोहब्बत शरबत। यही मोहब्बत का शरबत है? गर्मी में लस्सी से राहत मिल रही है? नहीं, बहुत बहुत बढ़िया है? बहुत बढ़िया। नहीं, ये मैंने रस्सी में पहले पी के बताओ कैसी है। नहीं, ये पत्नी को जूठा करवा के प्यार बढ़वाने वाला सिलसिला चल रहा है। करिए मीठा भाई, करिए। अब आप पी के बताओ फिर कैसा है। स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट, बढ़िया बना है? बढ़िया बढ़िया, पूरा नंबर, पूरा नंबर। कम लग रही है मेरे को। आपको ये इनकी पारखी नजर। आप एक काम करो, थोड़ा टेस्ट कराओ आंखों का, क्योंकि लस्सी को आंखों से जो आपने परखा है। चीनी कम लग रही है मेरे को। ये मतलब इन्होंने सुगंध नहीं, नहीं है, बर्फ पानी लस्सी और बना दो, ये मीठा ज्यादा। अच्छा, ये बताइए, गर्मी इतनी प्रचंड जो पड़ रही है, लस्सी सारा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लस्सी करने का रस, कोल्ड ड्रिंक पीने का ठंडा, वो तो ठीक है। ये माला वाला कहाँ? ये भगवान बजरंगबली की कृपा है ना सारी। ये आप हैं यहाँ, वही हनुमान जी का मंदिर है। शीतला माता, ठंडा शीतलता, सिर्फ आप पे क्यों पड़ती, बाकी लोग का माला? हाँ जी, बाकी सबका माला। ये दर्शन कर, वो जो दर्शन कर आएगा आप लोग। अच्छा, आप बताओ मैम, लस्सी बढ़िया है? बहुत बढ़िया है। गर्मी? गर्मी भी बहुत है, हम तो बाहर से आए हैं। कहाँ से आई? रांची से आए हैं, तो वहाँ तो थोड़ा कम गर्मी रहती है। यहाँ दिल्ली की गर्मी और ज्यादा है? और ज्यादा। अरे पारा 50 के ऊपर पहुँच गया है। हाँ, इतनी जबरदस्त। यहाँ तो ठंडा पीने में तो ठंडाई में मजा आ रहा है। झूठ बोल रहे, कहाँ 50 का पारा पहुँचा, 55 का भी पहुँचा देंगे, देवे गानी का कुछ भी पहुँचा दे। अच्छा, ये फिर आप फिर रही है, ऐश कर रही है, 50 का कहाँ पारा हो गया? अच्छा, फिर ये जो आपके चेहरे में पसीना है, तो ये तो फिर कुदरती देना है, तो आना ही आना। कोई 50 पारा आई नहीं है, कोई 55 नहीं है, जो परमात्मा ने करना है वो होना ही होना है। पहले के टाइम में आज से 30 साल पहले हमने जो ऐसी गर्म हवा, लू चलती थी, आंधी चलती थी, कुछ नहीं होता था, लोग ऐसे खूब मजे से रहते थे। आप मजे से लस्सी पियो। आज भी घूम रहे हैं लोग सड़कों पे, खूब घूम रहे हैं। किसको गर्मी लग रही है बता दो। इतना ये पॉजिटिव डोज जो ये आदमी लेके जा रहे हैं, ये तो आप लोग को भी पॉजिटिव ही कर देते हो। बिल्कुल पॉजिटिव है। और इतनी गर्मी भी कहते हो, ये सब कुदरत का करिश्मा है, कुछ नहीं हो रहा। कुदरत, आप ये सब पीते रहना, इनके चक्कर में लू मत लगवा लेना। अब ये कुदरत का करिश्मा है कि इनके सारे आपके दर्शन हो गए, आप सबके। इतना बढ़िया चैनल है। इसका भी क्रेडिट इन्हीं को देंगे? नहीं, इनको भी है,
आपको मुझे ही दीजिए, मैं लूंगी सारा क्रेडिट, ये लस्सी भी मैंने बनाई है, सारा क्रेडिट मुझे दीजिए इनको। नहीं मैं किसी और को क्रेडिट लेने ही नहीं दूंगी भाई, क्रेडिट का खेल है सारा। आज तक वाले किसी को क्रेडिट लेने ही नहीं देते। बस आप ना ना सर, ये क्रेडिट जा रहा है आपको। काम करते हैं ना, 60 से भी ऊपर हो जाता होगा, तामा जब भी परवाह नहीं करते, दिन में भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं, खेतों का काम। मैडम आप कुछ बोलिए, मुस्कुराएंगे बोलने के लिए हमारे ये है ना। अच्छा ये कौन लगते हैं आप? ये जीजा जी हैं। जीजा जी, जीजा जी गर्मी में एकदम तपे लग रहे हैं। नहीं 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 मैडम क्या नाम हो गया आपका? नीतू अग्रवाल। कहाँ से आई हैं आप? बवाना से। नरेला बवाना जी। हाँ तभी आप इतनी शांत है, जब पति इतना बोलने वाला मिल जाए तो बीवी कहाँ बोल पाए। तो शांत रहना ही पड़ता ना। जीवन सुधर गया ना मेरे साथ। सुधर गया क्या? बिचारी एक शब्द नहीं बोल पा रही। नेता लोग है ना, नेता लोगों को बोलने की आदत ज्यादा होती है। अच्छा बीजेपी से नेता? जब ऐसी आजकल बीजेपी का रंग चढ़ा हुआ है। ओ ये लीजिए बीवी बोली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बीवी बोली, सारी पोल खोली। कहती मुझे नेता चाहिए, इसलिए हम शांत रहते हैं। एक जना बोलता है एक जना शांत रहता है, तो गृहस्थी सही चलती है। देखिए ऐसे ही जो है मौसम का भी है, गर्मी गर्मी के बाद बरसात, उसके बाद ठंड, और ऐसे ही जो क्रम है वो चलता रहता है। तो पारा नए नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लोग बेहाल हैं, बहुत ही मुश्किल से लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो निकल गए उनके लिए समझिए असली चुनौती तो वो है कि वो सही सलामत घर पहुंच जाए। सारे उपाय वो कर रहे होते हैं, लेकिन देखिए एक तरफ ये पारा बढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ सियासी पारा भी बढ़ा हुआ है। और सियासी पारे की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।